आपकी YouTube चैनल राघव कंसल्टेंसी में। दोस्तों, अगर आप भी अपने फार्म का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये राइट हैंड मेल फार्म है, इनकी एज है 27। चलिए दोस्तों, इनका जर्नल एनालिसिस शुरू करते हैं। अगर आपकी हम मिडिल फिंगर को देखें तो मिडिल फिंगर इस तरीके से बैंड हुई है। जब भी मिडिल फिंगर इस तरीके से बैंड होती है, रिंग फिंगर की तरफ झुक जाती है, तो ये दर्शाती है आपको जीवन में जो सफलता मिलेगी वो बहुत परिश्रम करने पर मिलेगी। जीवन में काफी सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा, तभी जाकर अच्छी सक्सेस मिल पाएगी। आपकी रिंग फिंगर भी इसी प्रकार से बैंड हुई है। देखिए, ये दर्शाती है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जॉब में हो या बिजनेस में हो, आप चाहेंगे कि आपका जो काम है ज्यादा से ज्यादा फैलाव आए, उसमें ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड हो, या इस चीज को दर्शाता है। नेम फेम पाने की जिज्ञासा को ये बढ़ा देता है। जब भी किसी व्यक्ति की लिटिल फिंगर रिंग फिंगर के फर्स्ट फ्रेंड तक पहुंच पाती है, तो ये दिखाती है कि आपका टाइम मैनेजमेंट काफी अच्छा है, आप पंचुअल भी है। दूसरा, चीजों को संभाल के रखना, जैसे कि फाइल मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, अकाउंटेबिलिटी, इन सब में आप काफी अच्छे हैं, इस चीज को बताता है। अगर आपके मर्क्यूरी माउंट पर चलें हम, तो मर्क्यूरी माउंट पर आपको इस प्रकार की रेखाएं नजर आएंगी। ये काफी अच्छी मानी जाती हैं। देखिए, रेखा क्या दिखाती हैं? दिखाती हैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छी होंगी, आपका आपके अंदर मार्केट नॉलेज, मार्केट सेंस भी काफी अच्छा है, आप चीजों को प्लानिंग करके चलते हैं, फाइनेंशियल नॉलेज भी है आपके अंदर, ये इस चीज को बताता है। ऐसे व्यक्तियों की वाणी मीठी होती है और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी भी देखी जाती है। देखिए, बिजनेस जो आपने बताया, बिजनेस सेंस यहीं से देखा जाता है। अगर आप बिजनेस करना चाहें तो कर सकते हैं, आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन जो एक अच्छी सफलता होती है वो मुझे आपके सन माउंट के थ्रू दिख रही है, क्योंकि आप देखेंगे तो एक रेखा इस प्रकार से सीधी गई है सन माउंट पर। देखिए, सन माउंट क्या बताता है? सन माउंट होते हैं हमारी सक्सेस के कारक। विद्या, पद कीर्ति, यश कीर्ति, नेम फेम, तरक्की, सब यहीं से देखी जाती है। पॉलिटिक्स जो होता है, सरकारी लाभ, यहीं से देखा जाता है। देखिए, अगर आप पॉलिटिक्स की तरफ जाते हैं या फिर सरकार से जुड़ा हुआ कुछ काम करते हैं, जैसे कि सरकारी टेंडर ले लिया, तो उसमें आपको बड़ी सफलता देखने को मिल जाएगी। आप एक बार पॉलिटिक्स में भी ट्राई करके देख सकते हैं। देखिए, जीवन में अच्छी सक्सेस आपको यहीं से मिलेगी। सन माउंट से और भी अच्छे लाभ पाने के लिए आप इसके रिगार्डिंग रेमेडीज कर सकते हैं। आप अपने पिताजी की सेवा कीजिए, देखिए आपको बहुत अच्छे प्रभाव मिलेंगे इससे। अगर आप यह नहीं कर सकते हैं तो आप सूर्यदेव को वर्क दें, तो बहुत इससे अच्छा परिणाम देखने को मिल जाएगा। अगर आपके शनि पर्वत पे चलें, देखिए यहाँ पर मुझे एक शिक्षा रेखा भी नजर आ रही है। शिक्षा रेखा का मतलब काफी लोग ये समझ लेते हैं कि ऐसे व्यक्ति पढ़े लिखे होते हैं, इसका मतलब यह नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर नॉलेज अच्छी है, ज्ञान अच्छा है। यदि आप किसी को एडवाइस देते हैं या फिर अपना ओपिनियन देते हैं, उम्र के साथ साथ और यह चीजें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। लोग आपसे पूछ पूछ कर काम करने लगेंगे और आप अच्छा परामर्श देने में भी सक्षम हो जाएंगे, यह इस चीज को बता रहा है। सैटर्न माउंट पर चलें तो सैटर्न माउंट पर यहाँ पर मुझे वी का साइन बनता हुआ नजर आ रहा है। वी का साइन सैटर्न माउंट पे काफी अच्छा माना जाता है। ये दिखाता है कि आपको अपने खुद से किए गए कार्यों में काफी सक्सेस देखने को मिलेगी, धन की कमी नहीं होगी आपको। देखिए, जो शनि पर्वत है वो हमारे कर्म के, ज्ञान के, व्यक्तित्व के कारक हैं। देखिए, आपका रोजगार किसी प्रकार का भी हो, चाहे आप जॉब करें, बिजनेस करें, लेकिन वह ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हमेशा अपना ही फायदा देखें। यदि आप अपना सेल्फिश नेचर रखेंगे तो इससे आपको अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि जिस प्रकार के आपके कर्म रहेंगे उसी प्रकार का आपको यहाँ से रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। तो आप इस चीज पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर जुपिटर माउंट पर हम चले तो जुपिटर माउंट को इतना स्पेस नहीं मिल पाया जितना मिलना चाहिए। थोड़ी बहुत पारिवारिक समस्याएं, सांसारिक समस्याएं आ सकती हैं। यहाँ पर मुझे काफी स्पष्ट रेखा दिख रही है, जो कि दिखा रही है कि आपके अच्छे खासे मल्टीपल इनकम के सोर्सेज भी हैं। दूसरा, एक गुरु वलय का साइन बना रही है। आपकी इंडेक्स फिंगर भी अच्छी खासी बेंड हुई है, जो कि आपको धार्मिक बना रही है, धार्मिक प्रवृत्ति है, स्पिरिचुअल है। बाकी देखिए, गुरु वलय का साइन यह दिखाता है कि आप धर्म और आध्यात्म के माध्यम से अपनी लाइफ को सामान्य से अच्छे लेवल पर ले जाने में सक्षम हैं। आपका ध्यान रहस्यमय विद्याएं, जैसे कि पाल्मिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, यह सारी जो विद्याएं हैं, इन सब में आपका ध्यान जरूर जाएगा। देखिए, अगर आप जुपिटर माउंट को मजबूत करना चाहते हैं, आप दान दक्षिणा जैसे कार्य कर सकते हैं। जितना ज्यादा पूजा पाठ करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे, आपको यहाँ से अच्छे परिणाम ही देखने को मिलेंगे। अगर आपके आउटर मार्क्स पर चलें तो आउटर मार्क्स मुझे काफी स्पष्ट नजर आ रहा है, काफी अच्छा है। ये दिखा रहा है कि आपकी प्रतिरोध क्षमता काफी अच्छी है, साहसी है, लड़ना जानते हैं आप, यह इस चीज को बताता है। यहाँ से कुछ भी मुझे नेगेटिव इफेक्ट दिखता हुआ नहीं नजर आ रहा है। अगर आपके मून माउंट पर चलें
देखिए चंद पर्वत हमारे मन के कारक होते हैं। आपका मन साफ रहता है, अच्छे ख्याल आते हैं, अच्छे विचार आता है, यह आपकी अच्छी आदतों को भी दर्शाता है। देखिए चंद पर्वत माता के भी कारक होते हैं। यदि आप अपनी माता की सेवा करते हैं, उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनके पैर दबाते हैं, जितना ज्यादा आप अपनी माता को खुश रखेंगे, आपको यहाँ से अच्छे परिणाम ही देखने को मिलेंगे। अगर आपके वीनस माउंट पर चले हम, तो वीनस माउंट पर मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की भी रेखा नजर आ रही है। देखिए इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो करिएगा लॉन्ग टर्म बेसिस पे ही, जिसमें हाई रिस्क ना हो। इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट आप करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर आड़ी रेखाएं आपको काफी सारी नजर आएंगी, ये अच्छी नहीं मानी जाती हैं। ये काफी सारे मतलबों को दिखाती हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपके जीवन पर सबका ही प्रभाव हो। लेकिन रेखाएं हैं तो इनका कुछ ना कुछ प्रभाव हो सकता है। जैसे कि ये दिखाता है कि कभी कभी वैवाहिक जीवन में मतभेद आ सकते हैं, हो सकता है कि आपकी लाइफ पार्टनर से आपकी ना बन पाए। दूसरा ये खराब फ्रेंड सर्कल को भी दिखाता है, एनवायरनमेंट खराब हो जाना। कभी कभी ये किसी की बुरे एडिक्शन को भी दिखाता है, जैसे किसी किसी को, मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह सकती हूँ, किसी किसी को चाय का एडिक्शन होता है, दिन में 10 बार चाय पीते हैं, तो इस प्रकार के एडिक्शन को भी दर्शाता है। अगर आपके आउटर मार्स पे चलें तो आउटर मार्स स्पष्ट है आपका, काफी सुंदर है। देखिए जब आउटर मार्स इतना अच्छा होता है तो ये दिखाता है कि आपके अंदर स्टेमिना अच्छा है, फिजिकल एनर्जी काफी अच्छी है। आपको यहाँ पर एक मंगल रेखा भी नजर आएगी। देखिए मंगल रेखा का होना अच्छा माना जाता है, इसे पूर्व पुण्य रेखा भी कहा जाता है। देखिए दिखाती है कि आपने अपने पूर्व जन्म में अच्छे कार्य किए थे, तभी यह यहाँ पर बन पाई है। ये दिखाती है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, देखिए मंगल देव जो होते हैं वो होते हैं धरती माता के पुत्र, तो अगर धरती से रिलेटेड कुछ भी काम करते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम हो गया, रोड कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, खेती बाड़ी, कुछ भी धरती से रिलेटेड काम होना चाहिए, उसमें आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। अगर आपकी लाइफ लाइन पर हम चले तो लाइफ लाइन पर मुझे ज्यादा राहु रेखाएं नहीं नजर आई हैं, काफी छोटी छोटी है, ऑफ शूट भी है आपके पाल में। जीवन रेखा आपकी काफी मजबूत होकर चली है, ये दिखाती है कि आपको जीवन में मल्टीपल ट्रैवलिंग्स के भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। माइंड लाइन पर चलें तो माइंड लाइन यहाँ पर थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है, लेकिन आगे जाकर अच्छी चली है। ये आपको कल्पनाशील बनाएगी, आपकी कल्पना शक्ति अधिक हो जाएगी, आपकी इमेजिनेशन स्किल्स काफी पावरफुल होंगी। कोई भी निर्णय लेने से पहले आप चीजों को सही तरीके से सोच पाने, समझ पाने में सक्षम हो जाएंगे। ये आपको धार्मिक भी बनाएगी, स्पिरिचुअल भी बनाएगी, ये इस चीज को बताती है। देखिए लाइफ में कुछ भी डिसीजन लीजिएगा, सोच समझ कर ही लीजिएगा। कभी भी अगर आप गुस्से में आकर या फिर इमोशनल होकर अगर आप कोई डिसीजन लेंगे तो वह आपके गलत साबित हो सकते हैं। हमेशा कोई भी निर्णय ले सोच समझ कर, लोगों का परामर्श लेके ही लें। अगर आपकी फेट लाइन पर चलें तो फेट लाइन आपकी मजबूत चली है, बुढ़ापे तक गई है, तो बुढ़ापे में कोई भी आर्थिक तंगी आपको नहीं देखने को मिलेगी। थोड़े बहुत कट मुझे मेजर से नजर आए हैं, वो एज रही होगी आपकी 1:40 के पास और एक करीब करीब 37 या 36 के आसपास। देखिए पालमिस्ट्री में एग्जैक्ट एज नहीं होती है, तो आप 1-2 साल आगे पीछे करके देख सकते हैं। देखिए एक रेखा किस प्रकार से गई है, पूरे के पूरे सन माउंट, ये दिखा रही है कि अगर आप पॉलिटिक्स में जाते हैं या फिर सरकार से जुड़ा हुआ कुछ काम करते हैं तो उसमें बड़ी सफलता जरूर देखने को मिल जाएगी। अगर आपके हार्ट लाइन पर आए तो हार्ट लाइन आपकी पूरी जुपिटर माउंट तक गई है। देखिए ये दिखा रही है कि आपके लिए आपका काम इम्पोर्टेंट है, करियर भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन फैमिली भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यह इस चीज को बता रही है। आपकी हार्ट लाइन अच्छी है, स्पष्ट है, मुझे कोई यहाँ पर मेजर यव की आकृति बनती हुई नहीं नजर आई, तो कुछ भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। जब भी हार्ट लाइन फिंगर्स की तरफ मूव करने लगती है तो ये आपको थोड़ा सा सीक्रेट टाइप पर्सनैलिटी देती है, आप अपनी ज्यादातर बातों को अपने मन में ही रखना पसंद करते हैं। देखिए जब भी किसी व्यक्ति की हार्ट लाइन पूरी जुपिटर माउंट तक जाती है तो ये आपको इमोशनल बनाएगी, ऐसे व्यक्ति को लोग कभी कभी मूर्ख बनाने की भी कोशिश करते हैं, आपके इमोशनल होने का लोग फायदा उठा सकते हैं, इसीलिए ज्यादा इमोशनल होना या फिर ओवर सेंसिटिव होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। अगर कुछ भी डिसीजंस लीजिएगा तो इमोशनल होके बिल्कुल ही मत लीजिएगा, वह आपके गलत साबित हो सकते हैं। देखिए मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है, आपके पाम की हाईलाइट क्या है, आपको रेमेडीज किस किस चीज की करनी होंगी। आपका जुपिटर माउंट अच्छा नहीं है, आप जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग रेमेडीज करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ आड़ी रेखाएं हैं इसके रिगार्डिंग भी। देखिए आपके पाल में राहु रेखाएं इतनी मेजर मुझे नहीं दिखी हैं, तो समस्या आपके पाल में मुझे ज्यादा नहीं दिखी। आपने पूछा कि बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो बिजनेस आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अच्छा फायदा आपको सन माउंट से ज्यादा है।
आप सन माउंट के रिगार्डिंग रेमेडीज कीजिएगा, मैंने आपको बताया पिताजी की सेवा कर सकते हैं आप, या फिर सूर्यदेव को वर्क दें, बाकी इसके रिगार्डिंग हम प्रॉपर रेमेडीज आपको दे ही देंगे। आपके पाल में मेजर समस्या नहीं है, काफी अच्छा पाल में, काफी बेहतरीन पाल कहूंगी मैं इसको। वीडियो देखने के तुरंत बाद हमको मैसेज कर दीजिएगा कि मैंने आपको सन माउंट के रिगार्डिंग, जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग और वीनस माउंट पे जो आड़ी रेखा है उन सब के लिए उपाय बताए हैं। यदि अब भी आपके कुछ डाउट्स और क्वेरीज रह गए हैं तो वह भी आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पर ही पूछ सकते हैं। मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ, मिलते हैं आप अगली वीडियो में।